हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल. दिस इज तमन्ना एंड द वीडियो इज बेस्ड ऑन डेली शेड्यूल एंड डेली टारगेट्स. यू कैन से दैट फॉर SBI PO प्री एंड SBI क्लर्क मेंस. ओके, प्लस चलेगा. सो दो चीज़ें जो मैं प्री एज्यूम कर चल रही हूँ. फर्स्ट तो ये कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट है, और सेकंड ये कि मे बी आपको एक्सपीरियंस होगा, किसी ना किसी प्री का पहले आपने दिया होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा. ओके, और थर्ड थिंग जो है ये कि वो आपके पास जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो मुझे कमेंट्स थे ना वो ऑफकोर्स मेरे जो फॉलोविंग्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं टेलीग्राम पर थे, मेल्स पर थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट सिमिलर ही होंगे अपने. ओके, जो मैं यूज़ कर रही हूँ. बाकी नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन फ्लक्चुएट कि आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको आपके पास है नहीं है उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सेट हो सकता है. लेकिन स्टिल, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस थे तो मैं शेयर कर रही हूँ. कल डे वन रहेगा. और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, ये जो टारगेट्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी ये मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ. तो एक चीज़ जो रहेगी, जो मान लो कल जो टुमारो जो वीडियो रहेगी उसमें क्या होगा, मैं पहले सारी वो चीज़ें आपको शो करूँगी कि मैंने ये सारी चीज़ें की हैं या नहीं की हैं. ओके, जैसे जो आज मैं बता रही हूँ आपको, कल मैंने वो की है या नहीं की है, मैंने की है या नहीं की है. तो ये आपके लिए एक अकॉर्डिंग मोटिवेशन भी रहेगा, मोटिवेशन का भी काम करेगा. आप मैच कर सकते हो कि ओके मैंने क्या क्या किया या फिर इन्होंने क्या क्या कर दिया है, एज अकॉर्डिंग मेरे साथ मैच कर सकते हो. ठीक है, कंपेयर कर सकते हो आप. तो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली हमें क्या क्या करना है. फर्स्ट तो जो हमें प्रिपेयर करना है SBI PO प्री, तो ऑफकोर्स इसके लिए प्री के जो मॉक हैं वो आपको लगाने हैं. तो डेली टू, अब जो जैसे ये इनिशियल फेज है, ठीक है, डेली दो लगाने हैं तो आई वुड प्रेफर स्मार्ट कीड़ा. ओके, ये कोई प्रमोशन या ऐसा कुछ तो है नहीं, ये तो देखो सीधा सा है. बाकी TZ10 कोड लगा लेना अगर किसी का नहीं है. SBI PO भी अगर एक सिंगल आप लेते हो ना तो वो भी आप परचेज कर सकते हो. ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूंगी क्योंकि आपको एग्जाम का लेवल समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है. बाकी मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो. ओके, सेकेंड थिंग, PO प्री के दो मॉक लगाने हैं डेली. ओके, अब एक शुरुआत आप अपने डे की कर लो मॉक के साथ. ओके, मान लो आपने सबसे पहले किया PO प्री का मॉक लगा लिया. ओके, उसके बाद में सेकंड जो आपको करना है वो आपको करना है करंट अफेयर्स रिवीजन. ओके, अब जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, SBI क्लर्क हो और चाहे SBI PO मेंस आप आगे दें, ठीक है, सब में लास्ट के 3 मंथ्स करने हैं. अगर आप PO मेंस दोगे तो आपको 4 महीने, मतलब अगर SBI क्लर्क दोगे तो वो भी आपके साथ काम आएगा, आपको काम करेंगे. तो SBI क्लर्क जैसे है जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो हम जनवरी को नहीं इंक्लूड करें, हम इंक्लूड करें दिसंबर नवंबर अक्टूबर. तो अक्टूबर का जो कल आपको करना है सेकंड, मतलब फर्स्ट ही हो गया, सेकंड में आपको अक्टूबर का फर्स्ट वीक रिवाइज करना है. ओके, फर्स्ट वीक रिवाइज करना है अफेयर्स क्लाउड में से. ठीक है, फर्स्ट वीक आप 2 दिन देंगे, हम हर एक वीक को अच्छे से करेंगे. ओके, तो क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है अभी, तो आप 2 दिन, तो कल फर्स्ट जो वीक है उसको हाफ कर लीजिएगा. लेकिन मैं जो, अगर आप क्वेश्चन आंसर अगर PDF कर रहे हो तो मैं कहूंगी आप कल वो पूरी की पूरी आपको करनी है. ठीक है, आपको ये रीड आउट करना है. ये हो गया. उसके बाद में थर्ड थिंग जो आपको मतलब मैं करूंगी वो गाइडली के जो मेंस के PDF बंडल्स हैं. अब कौन से ये बात होगी, तो देखो गाइडली मेंस के PDF बंडल आप कोई भी ले लो, इट्स ओके. अगर आप नहीं कर पा रहे हो कौन सा नहीं, बाकी मेरे पास अल्टीमेट PDF बंडल में जो SBI PO IBPS PO मेंस का बंडल है ना उसमें से बात कर रही हूँ, तो वो मैं करूँगी. तो मेंस का ही तो ये है IBPS और SBI PO मेंस. ओके, ये बात कर रही हूँ. तो कल जो मैं करूँगी वो करूँगी आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का मतलब सेक्शन डे वन और डे टू का, क्योंकि उसमें डे वाइज होते हैं. डे वन एंड डे टू का सिर्फ और सिर्फ कल इंग्लिश सेक्शन करूंगी. ओके, फिर फोर्थ पर जो करूंगी तो गाइडली की तरफ से फिर से, तो उसमें आपका आएगा AC12 मेरा गाइडली के लिए कोड है, आप यूज कर सकते हो. अब गाइडली की बात करूं तो गाइडली में उसके बाद मैं करूंगी एक इंग्लिश का मैंने लगा लिया PO लेवल सेक्शन, फिर गाइडली डे 15. ओके, डे 15 डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि थोड़ा हमें हाई करना है अभी, इजी हमारा हो गया है. तो डे 15 SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क जैसे रहता है उसी अल्टीमेट PDF बंडल में, डे 15 का पूरे के पूरे सेक्शन, लाइक इंग्लिश भी, मैथ्स भी एंड रीजनिंग भी, ये तीनों के तीनों मैं वहां से करूंगी. ये रहेगा. और फिर फिफ्थ पे मेरा रहेगा फिर से एक PO प्री मॉक. दो मॉक हो गए ना, एक हमने ऊपर लगा लिया एक नीचे लगा लिया, ये रहेगा.
ये मैं कल करूंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे पास टाइम बचता है देन देखते हैं क्या कि कल मैं कर लेती हूँ। फिर अगर मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम रहता है कि हाँ मन्ना तुम कुछ और भी एक्स्ट्रा आज के दिन में कर सकती थी, तो फिर हम कल ऐड ऑन कर लेंगे। तो हर ये डेली शाम को आया करेगा, ये कल के लिए है आपके पास टारगेट्स। तो आपको एक शाम पहले, जैसे होता है ना कि हमारा मुझे मे भी मेरा उठने का टाइम है वो सुबह 6:30-7 बजे है, आपके उठने का टाइम 4 बजे हो सकता है, तो वो हमारा ऐसा एज अ हर्डल नहीं आएगा। तो हम मैं पहले ही शेयर कर दूंगी, और कल वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने की हैं या नहीं की हैं आई विल शो यू, ओके, विद द प्रूफ्स। सो एक मोटिवेशन भी रहेगा अपने आप में, कंपैरिजन भी बना रहेगा, ओके। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर कोई भी अपडेट होगी तो मैं अपडेट देती रहूँगी। तो मन्ना चौधरी यही है, ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, अदरवाइज आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। सो थैंक यू गाइज, यही था टोटल वीडियो, और टारगेट्स जो हैं यही मेन आपको करना है। वो मेरे पास देखो लंबा चौड़ा वैसा तो मेरे पास टारगेट्स नहीं है, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रोक्सीमेशन जैसे कई मैंने देखे हैं टारगेट्स, तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लगते हैं मेरे केस में। आपको लगते होंगे इट्स अ डिफरेंट केस, पर मुझे नहीं लगता है 5 DI 5 कहाँ कहाँ से ढूंढे भाई। एक मेरे पास मतलब होता है ना कि जैसे गाइड लिया तो उसका एक पूरा बंडल है कि तुझे ये निपटाना है, मुझे कंप्लीट पता है इस चीज़ का। स्मार्ट किड है, SBAPO के मेरे पास 30 टेस्ट है, मुझे पता है 30 तुझे कंप्लीट करने हैं, इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, DI DUI देखने की, सिंप्लीफिकेशन। तो ये मेरे डेली के टारगेट्स हैं, ये कल का टारगेट्स है, आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट एंड आई विल क्लियर योर डाउट, ओके। सो थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं कल की वीडियो में।